यह है प्रसिद्ध और ऐतिहासिक असीरगढ़ किला। सतपुड़ा की पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र की सतह से 250 फीट की ऊंचाई पर बना यह दुर्ग आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुणगाथा का गान मुक्त कंठ से कर रहा है। इसकी तत्कालीन अपराजयता स्वयं सिद्ध होती है। यह किला बाबे दक्कन यानी दक्षिण द्वार और कलोदे दक्कन यानी दक्षिण की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस किले पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण का द्वार खुल जाता था। इस किले का निर्माण कब और किसने करवाया, इस तथ्य पर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं है। इतिहासकार मोहम्मद कासिम के अनुसार आशा अहीर नाम के एक व्यक्ति ने इस किले की स्थापना की थी। उसके पास हजारों की संख्या में पशु थे, उनका रक्षण करने के लिए उसने इस किले को बनवाया था। शुरुआत में इसकी स्थापना ईंट मिट्टी चूना और पत्थर से हुई थी। फिर जब बुरहानपुर पर फारूकी राजाओं का कब्जा हुआ तो ये किला उनके अधीन हो गया और उसके बाद आज तक लगातार समय इसको रौंदता हुआ इतिहास बनकर गुजरता रहा और आज इसमें बचे हुए हैं कुछ खंडहर और कुछ किस्से। असीरगढ़ का किला भारत की अद्भुत संरचनाओं में से एक है और ये सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। ये किला मध्य प्रदेश में, हम असीरगढ़ किले में हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए एक तालाब आप देख रहे होंगे, ये देखिए मेरे पीछे एक तालाब आप देख रहे हैं। ये तालाब बहुत ही प्राचीन है और इस तालाब का जो इतिहास है वो एक इतिहास अश्वत्थामा से भी जुड़ता है जो महाभारत काल में हुए। अश्वत्थामा ने कई ऐसे कृत्य किए थे जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसको श्राप दिया कि तेरी मृत्यु जो है वो नहीं होगी। उसको भगवान श्री कृष्ण ने अमृतत्व का वरदान दिया इस बात के लिए कि उसको सज़ा मिले, और उसकी मृत्यु ना होने के कारण उसके जो घाव शरीर पर थे वो उन घावों से तड़पता रहे। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा इस किले में आज भी आता है, असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा आज भी आता है। और यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है जिसको भगवान गुप्तेश्वर महादेव कहते हैं। यहाँ पर फूल चढ़े मिलते हैं और अश्वत्थामा कहते हैं कि पूजा करता है और उसके बाद चला जाता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको ऐसा अनुभव हुआ है कई दफ़ा पहले कि यहाँ पर अश्वत्थामा की मौजूदगी रहती है। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब में कहते हैं कि अश्वत्थामा स्नान करता है और उसके बाद भगवान शिव की पूजा मंदिर में जाकर करता है। अभी हम मंदिर में भी चलेंगे, आपको भगवान महादेव के उस मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहाँ पर शिवलिंग है और गुप्तेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव जहाँ पर मौजूद हैं। ये वो तालाब है। कहते हैं कि ये तालाब गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, चाहे अकाल पड़े, लेकिन कभी सूखता नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि ये तालाब जो है इसमें पानी है और तालाब के चारों तरफ जो पेड़ हैं उसमें से कई पेड़ प्राचीन पेड़ हैं, जिसमें जैसे कि आप एक ये वटवृक्ष देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए ये वटवृक्ष बिल्कुल हरा भरा है और काफ़ी प्राचीन लगता है। आप इसमें वटवृक्ष की जो जड़ें हैं वो नीचे लटक रही हैं और ये मुख्य तना है इसका, और साथ में ये इसकी जड़ें हैं जो मतलब ज़मीन में नीचे गड़ी हुई हैं। दोस्तों, समुद्र तल से 250 फुट की ऊंचाई पर ये किला जो असीरगढ़ का है ये मौजूद है और ये आज भी अपने वैभवशाली इतिहास को बयान करता है। इसके जो खंडहर हैं वो इसके एक ज़माने में कितना वैभवशाली था ये बताते हैं। ये दोस्तों एक बाउंड्री बनी हुई चारों तरफ दीवार, और दीवार के बीच से आप देख रहे हैं ये रास्ता, और ये किसी एक भरापुरा महल होगा जिसके खंडहर बचे हुए हैं असीरगढ़ किले के अंदर। यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, चारों तरफ पूरा मैदान दिख रहा है आपको इस भवन के आगे, लेकिन पीछे जो खंडहर बचे हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि ये कोई या तो मस्जिद का खंडहर है या फिर कोई महल होगा, क्योंकि मस्जिद का खंडहर भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ कब्रें दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ कब्रें नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं कब्र, और उधर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एक ये मस्जिद होगी, 100% मस्जिद लगती है, क्योंकि ये कुछ एक ताल जैसा बनाया हुआ है, छोटा सा कुंड बनाया हुआ है जो शायद वज़ू वगैरह करने के काम आता होगा। और ये सामने
इधर भी बना हुआ है और ये पत्थर पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसके अंदर जाने का रास्ता, ये आप देखिए एक मौजूद है, एक पिलर जैसे बड़े पिलर का बेस होता है वैसा, और ये रास्ता और सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए एक पिलर खड़ा हुआ है और बाकी खंडहर बचे हुए हैं पूरे। जिस तरफ से किले में प्रवेश करते हैं उसके दक्षिण की तरफ ये कोना जो है किले का, वहाँ पर ये मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, ये वही मंदिर है जहाँ पर कहते हैं कि अश्वत्थामा हर रोज़ पूजा करने के लिए आता है और शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़े हुए मिलते हैं। यहाँ तालाब है जो कभी सूखता नहीं, जिसको जो हमने आपको दिखाया था, और उसके बाद वहाँ स्नान करने के बाद यहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं और सुबह यहाँ भगवान शिव का जो शिवलिंग है, गुप्तेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। आपको इस मंदिर के अंदर लेके जाएंगे और आपको मंदिर अंदर से दिखाएंगे, बहुत ही प्राचीन मंदिर। ये देखिए चारों तरफ इसकी दीवार बनी हुई है, ऊपर से मंदिर का हिस्सा, मंदिर थोड़ा सा गहराई में है, गड्ढे में है, तो आपको लेकर चलते हैं और मंदिर को अंदर से दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। ये देखिए एक शिलालेख लिखा हुआ मंदिर के बारे में, शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत में वर्णित गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने प्रतिदिन सुबह आते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में मराठा काल में हुआ। असीरगढ़ किले में स्थित भगवान महादेव का, गुप्तेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर दोस्तों। मंदिर के साथ में ये देखिए सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर एक किले का, किले के कोने के ऊपर शायद सुरक्षा के लिए बनाया गया होगा प्राचीन काल में, तो ये बनी हुई है आप देख रहे हैं ऊपर, इसको बंद कर दिया गया है। मराठा काल में जब मराठों ने यहाँ कब्जा कर लिया था असीरगढ़ के किले के ऊपर, उस वक्त कहते हैं कि ये मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो मराठों ने करवाया था, मराठों के समय में हुआ था। और ये इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं जो आप देख रहे हैं, ये किले की जो शिलाएं हैं ये भी प्राचीन हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं, ये देखिए किले का अंतिम छोर जिसमें पूरा का पूरा आप देख रहे हैं घाटी नज़र आ रही है। और ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के चारों तरफ बनी हुई पुरानी किले की प्राचीर आपको नजर आ रही होगी। ये कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों से जो है, सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों से ये कोई रास्ता था जो बंद कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, मंदिर जो है इसके चारों तरफ ये जो परिसर बना हुआ है, और ये परिसर की जो बाउंड्री है ये उसी वक्त की दीवार आप देख रहे हैं, इसमें वही पुराने पत्थर लगे हुए हैं, ब्लैक स्टोन, और मराठों के समय का ही ये कंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये जो बाउंड्री है, इसके ऊपर से आप देखेंगे तो नीचे एक बहुत ही गहरी बावड़ी है, ये देखिए। और ये साथ में एक नीचे जाने के लिए बावड़ी में और मंदिर के इस तरफ का जो एरिया है उसमें जाने के लिए एक नीचे रास्ता बना हुआ है जिसमें सीढ़ियां लगी हुई हैं। और ये देखिए बावड़ी, बावड़ी में पानी है और नीचे भी कुछ दरवाजे जैसे दिख रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन है जो पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए ये जो पत्थर लगे हुए हैं नीचे फर्श में, ये भी उसी समय के पत्थर लगे हुए हैं।